इंजीनियर कॉरपोरेटर बना था यहाँ से हल्का नंबर 12 से, अब वो हल्का नंबर 17 हुआ है। हर यहाँ की आवाम बाखूबी जानती है यहाँ पर कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। पर पिछले 5 साल से मैं जो कारनामे किया हूँ, तमाम मेरे रामजी नगर की माँ बहनें, मेरे मुसलमान बहनें, मुसलमान सब शख्स पूरे हर कोई यहाँ के लोग मुझे जानते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरे होटल से कि इस बार मेरे को बहुत बड़ी कामयाबी देंगे। लास्ट टाइम जो कोरोना काल था उस टाइम भी हमने बहुत सारा लोगों के लिए हेल्प किया है और डेवलपमेंट के नाम पे हमने इतना काम किया है कि लोग यहाँ के जानते हैं कि हम क्या डेवलपमेंट किए। रोड, नाली, ड्रेन, बिजली, बोरवेल, हर वो काम, लाइट, हर मसले मसाइल के लिए हम काम किया। ये आवाम यहाँ की बाखूबी जानते हैं। आवाम के लिए यही मैसेज है मेरा कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ नामा लेकर आते हैं, बहुत कुछ प्रोग्राम लेकर आते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए हकीकत की लड़ाई लड़ना है हमको और सच्चाई की लड़ाई लड़ना है और सच के लिए वोट करना है। हर इंसान को डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन लड़ने का हक है और डेमोक्रेसी ऐसी होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये मत इसकी इसी के लिए डेमोक्रेसी को कायम किया गया है। और यहाँ पर हम एक नुमाइंदे को किसी भी पार्टी से अगर चुनते हैं तो एक उम्मीद लगाकर वोट डालता है वोटर कि ये नुमाइंदा, ये हमारा कॉरपोरेटर, ये MLA MP हम वोट लेने के बाद अवाम के मसाइल को हल करेगा, अवाम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, अवाम के जो हकूक़ हैं उनकी तहफ़ करेगा, उनके प्रोटेक्शन करेगा। इस पर लोगों के दिमागों में लोग जो है बहुत ही गुस्से में है और मैं तमाम अवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप गुस्से का इजहार अपने वोटों के जरिए से दीजिए। जितने भी उम्मीदवार हैं जनता दल के सेकुलर के, तमाम उम्मीदवार एक जज्बा रखते हैं, खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि गुलबर्गा सिटी में इस बार कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होगा, हर जगह जनता दल सेकुलर की लहर होगी और वहां पर मेयर जनता दल कॉरपोरेशन में जो है जनता दल का इख्तदार पहली बार आने जा रहा है। कई सालों से वहाँ पर कांग्रेस का इख्तदार था, कांग्रेस का इख्तदार रहने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर खरीदना और बेचने का काम हो गया, गुत्तेदारी का काम हो गया, सिर्फ वही काम करें। लेकिन यहाँ पर हम सेलेक्टेड अच्छे जो काम करते हैं वैसे हम जो है नुमाइंदे को यहाँ पर जनता दल की जानिब से उम्मीदवारों को रखे हैं। मैं साथ ही साथ दूसरे पार्टियों की भी बात किए हैं, दूसरे पार्टियाँ हैं अच्छे कैंडिडेट, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी उम्मीदवार, मैं उनके ताल्लुक से कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ लड़ाई है। हमारे वोट जो है वो वोटों को तकसीम मत कीजिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी किसी की भी नहीं है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी की भी नहीं आती, बिना JDS के, बिना कांग्रेस के नहीं होती। हम ये कहना चाहते हैं कि फुल फ्लेज मेजोरिटी जनता दल की लाइए, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। हम कांग्रेस को टोटल बाहर निकाल दीजिए, वहां पर गुत्तेदारी कर रहे हैं, गुत्तेदारी करने के लिए वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अवाम की खिदमत करने के लिए, अवाम के डेवलपमेंट के लिए, उनके रोड, नाली, पानी, लाइट, उसके लिए नहीं लड़ रहे। वो यहाँ पर इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ पर जाकर गुत्तेदारी करने के लिए वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर खिदमत करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तमाम गुलबर्गा के तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने सही वोटों का इस्तेमाल कीजिए, सही जगह पर वोट डालिए, जनता दल सेकुलर को वोट डालकर कामयाब कीजिए। जावी जन्ना राय के बारे में मैं कहना नहीं चाहता, यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनकी मौजूदगी इनकी कामयाबी बताती है, इनके कारनामे बताते हैं, इनकी खिदमत बताते हैं। तो मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 17 के तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर जनता दल का उम्मीदवार है, मैं 18 से खड़ा हूँ, वहाँ के 18 के वोटरों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस बार जनता दल सेकुलर को वोट डालकर कामयाब बने।